हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पिक्सेल्स के बारे में, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पे देखते हैं। पिक्सेल होता क्या है? आज की दुनिया में हम सब भी पिक्सेल से घिरे हुए हैं। आप जो भी डिजिटल स्क्रीन पे देखते हैं, हर एक चीज़ पिक्सेल से बनी हुई है। पिक्सेल एक स्मॉल यूनिट है आपकी ग्राफिकल इमेज के लिए, जैसे कि एक बेसिक यूनिट जिसके बुनियाद पे पूरा एक ग्राफ तैयार होता है, पूरा इमेज बनता है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन में या कंप्यूटर में इमेज व्यू करते हैं या टेक्स्ट रीड करते हैं और वीडियो देखते हैं, ये सभी चीज़ पिक्सेल से बनी हुई है। पिक्सेल की अगर शेप और साइज़ की बात करें तो इसका शेप डॉटेड होता है या तो स्क्वायर होता है। साइज़ में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स का एक पिक्सल या उससे ज़्यादा का एक पिक्सल बनता है। ये बिट्स क्या होते हैं? जैसे कि MB मेगाबिट्स, GB गीगाबिट्स। बिट्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट्स की दुनिया में। ये तो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि उसकी कैपेसिटी कितने पिक्सल्स की है। अगर उसकी कैपेसिटी 20 लाख पिक्सल की है तो मतलब आपका डिस्प्ले फुल HD प्लस है, जिसमें का रिजोल्यूशन आपको 1920x1080 पिक्सल्स का देखने को मिलता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समथिंग अबाउट 20 लाख पिक्सल्स के आसपास हो जाता है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे एक स्क्वायर इंच में, आपका इमेज उतना ही शार्पर और क्लियर होगा। जैसे कि आप सभी देखते होंगे 144p 240p, ये सब क्या है? ये सब पिक्सल्स ही है। जैसे कि बहुत लोग यूट्यूब पर प्रेफर करते हैं 720p और 1080p, जिसको ज़्यादा शार्पनेस चाहिए, क्लियरिटी चाहिए अपनी वीडियो में, वो 1080p और उससे भी ऊपर 4K वगैरह में भी अपनी वीडियो शूट करते हैं। ऑनलाइन वीडियोस कभी कभी बफर बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक हायर रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड की गई होती हैं, जो कि आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से बहुत टाइम लगता है उनको एक कम्प्लीट 1 सर्कल, दैट इज़ 1 सेकेंड के डिस्प्ले के लिए। जितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी होती है उतना ही वीडियो का साइज़ बढ़ता है, क्योंकि अगर आप 720 पिक्सल्स एक साथ यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ लिमिटेड स्पेस चाहिए या लिमिटेड साइज़ चाहिए। अगर आपके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको इतना साइज़ भी चाहिए आपके फ़ोन में स्टोर होने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।